चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 4.2 और एक बात और आपसे बताना चाह रहे हैं कि हम लोग आज एक्सरसाइज 4.2 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल 3 नहीं 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके पहला मतलब इससे यानी 1, 2, 3 और मतलब 1, 2, 3 का वीडियो बन गया है और हम लोग अपलोड भी कर दिए। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इसके साथ ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट इसका भी वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ अगर आप नहीं देखें तो फिर जाके देख लीजिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, ध्यान देंगे। कह रहा है दो कर्मागत संख्या, तो कर्मागत संख्या पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली कर्मागत संख्या ऐसे लिख लेते हैं, पहली संख्या इक्वल टू एक्स। एकदम ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपसे कि कह रहा है कि पहली संख्या क्या होगा x, तो कर्मागत का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। कर्मागत मतलब क्रम से, जैसे यहाँ x है तो फिर क्या आएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसे, तो वही होता है क्रम से। कर्मागत का मतलब होता है क्रम से। तो मान लें कि माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी यानी कर्मागत संख्या, दूसरी कर्मागत संख्या x प्लस 1। ध्यान देंगे, बातें तो समझ आ रही होगी, बिल्कुल समझ आ रहा होगी। पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी कर्मागत संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग, अब क्या कह रही है, दोनों के वर्गों का योग, वर्गों मतलब स्क्वायर जिसको कहते हैं आप। ठीक है, तो हम कह रहे हैं देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग सॉरी कितना है, जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान देंगे, बस यही है, 300 वर्गों का योग 365। तो पहला संख्या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना कर लें, 365। ध्यान देंगे, बस यही कह रहा है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो अब क्या करना है, पहला तो वर्ग अपने पास है तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पे है तो a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 365। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब जो जिसके साथ है वैसे कर लेंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं आपसे ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का 1x स्क्वायर और यहाँ का 1x स्क्वायर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। एक बार और आपको बताना चाह रहे हैं कि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा। तो हम ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली कर भी सकते हैं, देखिएगा तो फिर अपने पास बचेगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये क्या होगा, घटेगा। तो यानी इधर आके डायरेक्टली क्या कर दें हम लोग, 364 से कर सकते हैं ना, इक्वल टू 0 बिल्कुल कर सकते, क्योंकि 365 में से घटाइए 364 हो जाएगा, जब 364 होगा तो ये प्लस में होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो वही हम आपको ये बताना चाहते हैं, अब क्या करना है, इसको तोड़ना रहेगा। तोड़ने से पहले क्या करेंगे, ये देखिएगा, दोनों दो दो का कॉमन मिल रहा है तो क्या करेंगे, दो दो को काट लेंगे। तो फिर काटेंगे तो फिर कितना आएगा, जैसे हम ये कह रहे हैं दो से दो, ये दो कट गया, ये दो कट गया, ये कितना बार में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 182। ठीक है, 182 बार में 364 होता है, तो फिर कितना बच गया अपने पास, यानी ये क्या करेंगे, सब सबके साथ दो में मतलब दो से कट रहा है, इसे दो से काट देंगे तो बचेगा अपने पास क्या, देख लीजिएगा, बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अगर आपने सच में आप पहला वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि क्या करेंगे वहां हम लोग सीखे हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गुणनखंड कैसे निकालना, भी आपको पहले से भी पता है कि गुणनखंड क्या करना है, बीच वाला को तोड़ा जाता है तो बीच वाला को तोड़ेंगे। ठीक है, बीच वालों को ऐसे तोड़ेंगे ताकि हमारा जोड़ने घटाने फिर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो देख लीजिएगा, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस हम कह रहे हैं 14x माइनस 13x, तो बता दीजिए 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या x नहीं आएगा, बिल्कुल x आएगा, और माइनस
मतलब 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों में पेयर चेक करना है, कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में पेयर चेक कर लीजिए कि दो दो पेयर बन रहा है अपने पास। तो ये दोनों में चेक करेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन, तो ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या होना है, माइनस 13 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो सेम है तो क्या करेंगे, एक बार रख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालेंगे तो देखिएगा शून्य कैसे निकालते हैं, इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 14 बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, इसका दूसरा देख लेंगे, दूसरा कह रहा है कि x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 13, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 13, लेकिन एक वैल्यू जो आया माइनस वाला उसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट मतलब माइनस को नहीं लेते हैं, माइनस को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आया अपने पास, 13। तो अब ध्यान देंगे यहाँ आपको, ये हम समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं कि अतः क्या होगा, पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या बराबर x के बदले कितना आएगा, अपना 13 आएगा तो 13 रख लेंगे। वही दूसरा नंबर कह रहा है दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो हम कह रहे हैं कि दूसरी क्रमागत संख्या क्या दिया था, x प्लस 1 दिया था, तो यहां तो x प्लस 1 यानी x का जब कितना 13 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं अभी, देखिएगा क्वेश्चन भरे ही देखने में बड़ा है लेकिन है नहीं इसमें दम, ठीक है। तो आप बार बार रिवीजन करें ताकि आपको अच्छा से समझ आ सके और जल्दी से इसका मतलब ये क्वेश्चन पे अच्छा कर सके आप, ठीक है। चलिए हम लोग 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखें तो एकदम आसानी से सोल्यूशन दे सकते हैं। देखिएगा तो एक संपूर्ण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण त्रिभुज इसका काउंटिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका आधार से मतलब इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेंगे कि आधार x, तो 7 सेंटीमीटर कम का मतलब होता है कि x माइनस 7, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो हम क्या करेंगे, और ये कण जो दिया अपना 13 सेंटीमीटर दिया, ध्यान दीजिएगा, तो जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या, अभी देखिएगा दिया है कण, तो कण दिया हुआ अपने पास कितना, 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये बातें नहीं दिया है, तो क्या करेंगे इसको मान लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि मान लिया कि आधार इक्वल टू एक्स, तो लंब क्या हो जाएगा, आपको पता है लंब कह रहा है कि आधार से जो लंब है 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम मतलब एक्स माइनस 7, यही होगा, बिल्कुल ये होने वाला है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे कि अपने पास कण है, लंब है और आधार है, इन तीनों चीज है, तो हम चलते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। देखिएगा मेरे सारे दोस्तों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा ना, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। तो फिर यहां देखेंगे अपना अपने पास कर्ण कितना है 13, ठीक है, और लंब कितना है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी आधार क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां मिस्टेक हुआ है, यह है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पे करते हैं तो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 का स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाए। फिर देखिए
अब देखिएगा 13 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों सेम जाति का इसलिए जोड़ लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0। यहाँ 13 सॉरी ये स्क्वायर होगा ठीक है यहाँ पे, तो अब यहाँ क्या कर लेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 ठीक है। अब देखिएगा ये वाला प्लस में है, इधर आके माइनस कर देंगे यानी, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू लिख लेंगे एक बार 169। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हम ये कह रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 को उधर लेके चलते हैं तो 169 माइनस 49 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये 49 घटा लेंगे तो कितना आएगा 120। अब 120 को इधर ला के माइनस करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू, या माइनस कर देंगे माइनस 120 इक्वल टू 0। अब क्या करना है देखिएगा कि दो से कटने वाला तीनों में है तो क्या करेंगे काट लेंगे दो से, तो ध्यान दीजिएगा हम कह रहे हैं 2x स्क्वायर, 2 तो काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड क्या करते हैं, गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं तो सबसे पहले बीच वाला को तोड़ते हैं ठीक है, बीच वालों को ऐसे तोड़ते हैं ताकि ये दोनों के साथ हम लोग का कॉमन बने ठीक है। तो देखिएगा हम ये कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे तोड़ लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस हम कह सकते हैं कि प्लस 5x माइनस 12x और माइनस 60 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा हम ये क्या कह रहे हैं, माइनस 12x में से अगर 5x मतलब 5x घटा ले मतलब ये वही होता है कि बड़ी वाली संख्या प्लस में और छोटी वाली संख्या माइनस में है, इसलिए घटाने से क्या होगा संख्या तो माइनस में आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा माइनस आएगा, लेकिन 12 में से 5 घटा लीजिए कितना आएगा वही माइनस 7x ठीक है। अब देखिएगा दोनों में पेयर लग रहा है, दोनों में पेयर में अब क्या देखना है, कॉमन देखना है, कॉमन कैसे, चलिए पहले इसको मिटा के देखते हैं एक बार, आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है। अब देख लीजिएगा यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है तो क्या हो जाएगा अपने पास x इंटू, तो फिर अगर यहां दो x है एक x निकल गया तो एक x बचा होगा और प्लस 5 यानी अब क्या यहां 12 में से क्या करेंगे, जैसे यहां पे हम ये यहां पे देखिए 12 तो यहां कॉमन क्या मिल रहा है, हम कह रहे हैं 12 कॉमन आ रहा है तो लिख लेंगे माइनस 12, तो जब माइनस 12 निकल गया तो x बचा होगा और माइनस माइनस यहां का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 12 5 5 मतलब 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि मतलब बीच वाली संख्याएं सेम है तो एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x माइनस 12। अब क्या करेंगे देखिएगा दोनों का शून्य निकाल लेंगे तो पहला क्या अपने पास x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5। और आपको ये भी बताते हैं कि अगर जब भी माइनस आता है तो इसको नेगलेक्ट करना है, माइनस को रखना ही नहीं अपने को ठीक है, तो ये अपने पास जरूरत ही नहीं इसका। फिर क्या अपने पास x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब देखिएगा x का वैल्यू कितना आया 12, यानी हम लोग क्या माने थे हम लोग ये माने थे अच्छा यहाँ पे तो देखिएगा तो आपको x क्या माने थे, x को आधार माने थे तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, पता चल गया आधार 12 आएगा तो क्या कह रहे हैं अब ये तो 12 में से अगर ये हमको लंब चाहिए तो क्या करेंगे, लंब के बदले हम पहले लिए थे x माइनस 7 तो x के बदले कितना आया 12 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ठीक है। इस तरह से हम लोग पता चल गया कि लंब यानी जो आधार पहले जो था 12 था और लंब 5 था और कर तो दिया ही था 13 ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इसको मिटाते हैं।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण का लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तन की संख्या के दुगुने से तीन अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मान लेंगे। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है तो हम ये कर ले रहे हैं, मान लिया कि उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या x, बर्तन की संख्या बराबर x, ध्यान दीजिएगा निर्मित बर्तन की संख्या x तथा तथा प्रत्येक नग की लागत कह रहा है दोगुने से तीन अधिक है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, दोगुने से तीन अधिक मतलब 2x-3, प्लस, क्योंकि तीन अधिक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों लागत टोटल लागत क्या होगा, यानी हम कह रहे हैं कुल लागत इक्वल टू 90 रुपया। कुल लागत कितना दिया है? 90 रुपया दिया है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों कुल लागत का मतलब होता है दोनों का गुणनफल कितना है 90। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं x इंटू 2x+3 इक्वल टू 90। अगर इस तरह का इक्वेशन हम लोग बना लेंगे और इक्वेशन का सोल्यूशन अगर देते हैं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, मजेदार। तो यहां देखेंगे, और एक बात तो और बताते हैं कि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन देना बेस्ट होता है, मैथमेटिक्स वगैरह आप कैलकुलेशन कुछ नहीं जानते, तो क्या अगर ये आपको ये सब कुछ जानना है तो फिर क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको हर चीज समझ आ सके। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या करना है, इस x से ये दोनों में गुणा करना है। तो फिर x में इतना से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस इसी x से 3 में करेंगे तो क्या होगा 3x कितना हो जाएगा माइनस, प्लस में था उधर 90, इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको तोड़ना है, ये 3 को तोड़ना है। तो फिर कैसे, तो ये देखिएगा हम कह रहे 2x² प्लस यहाँ देखिएगा अगर इसको हम करें, अगर हमको 3 लाना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम ये, अगर यहाँ पे तोड़े तो 3 लाना है तो हम ये कर सकते हैं 15x और माइनस 12x, ऐसे कर सकते हैं 12x माइनस 15x, क्योंकि प्लस 12x ये ऐसे रख लेंगे माइनस 12x और प्लस 15x। अब मान लीजिए कि 15x में से 12x घटाएंगे तो क्या प्लस 3x नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और माइनस 90 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यार, हम कुछ नहीं समझाना चाहते, आपसे ये समझाना चाहते हैं कि देखिएगा अगर 15x में से 12x घटा लें तो फिर कितना बचेगा अपने पास, प्लस 3x बचेगा। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन चेक कीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो यही चेक करना रहेगा ना, तो कॉमन देखेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेंगे कितना 2 निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं 2 नहीं बल्कि हम 2x रख ले रहे हैं। ठीक है, 2x जब कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास बच जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ x बचेगा और माइनस 2 × 6 यानी 6 होगा। बातें समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये आपको ये समझाना चाहते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कॉमन 2x मिल रहा है, तो जब यहाँ से 2x निकल गया तो ये x तो बचेगा या माइनस, तो माइनस, अब 2 से फिर क्या करना है, इसमें भाग लगा दें तो 2 × 12 ठीक है 6 आएगा। अब वही कह रहे प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, हम कह रहे 15 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 15 निकल गया तो क्या बचा, x बचा माइनस 15 × 90 यानी 6 आएगा इक्वल टू 0। तो अपने पास जो बचा एक बार इसको अच्छा से लिख लें तो क्या है, बीच वाला नंबर सेम है तो इसके बदले एक बार लिखते हैं, उसके बाद ये दिया है 2x+15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, दोनों का शून्यक निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो जैसे पहला दिया है कि x-6 = 0, तो देयरफॉर x = कितना हो जाएगा 6,
ये बात तो पता चल रहा है, लेकिन वही कह रहा है कि एक और दिया अपने पास, उसको देखते हैं। तो इसको अगेन लिखते हैं, देख लीजिएगा, दूसरा दिया है 2x + 15 = 0, यही तो दिया है। अब ये वाला नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं 2x - 15, फिर देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 = 2। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ें हम बता चुके हैं कि अगर जो भी माइनस आता है तो यहाँ माइनस को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, माइनस को नहीं रखना है। तुमको समझ आ गया कि माइनस को तो रखना नहीं है, तो पता चल गया कि x का वैल्यू कितना आया, 6। तो हम कह रहे हैं कि जो उस दिन, यहाँ पे लिख देंगे, अतः अतः उस दिन, उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या, बर्तन की संख्या बराबर x दिया है, तो x के बदले हम कितना लाए हैं, 6। तो उस दिन जो बर्तन, जो मतलब जिस उतनी, उस दिन जो बर्तन का निर्माण हुआ था कितना हुआ था, 6। लेकिन अब कह रहा है कि नग की लागत कितनी थी, तो हम लिख देंगे कि नग की लागत, अब जब नग की लागत निकालेंगे तो नग की लागत का मतलब क्या लिए थे, दोगुने से 3 अधिक, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3, यही होगा ना, तो 2 तो रहेगा, x के बदले कितना लाए हैं, 6 और प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 12 + 3, यानी कितना हो जाएगा, 15। तो जो लागत है नग का लागत कितना, 15 रुपया, और उस दिन बर्तन का कितना हुआ, बर्तन का निर्माण कितना हुआ था, 6। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लिए हैं। और एक बात और बताते हैं कि यार अभी तक, मतलब ये बहुत सारा, हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारा चैप्टर है, जो जैसे ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट, ठीक है, और कुछ साइंस के वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो उस वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए और जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार तरीके से वहाँ हम लोग पढ़ाए हैं। इस तरह से हम लोग अब कल एक्सरसाइज 4.3 पे बात करेंगे। दैट्स ऑल।